Morning, friends. Going to start the new topic that is the ellipse, right? और जब हम conic section में enter कर ही चुके हैं तो हमें सारी चीजें पता है कि ellipse में हमें उसको किस तरह से लिखना, ठीक है? यह आप जानते हो कि जब parabola में discussion किया था तो fixed point होता है, moving point होता है, locus point, और locus point से उस fixed point की distance होती है और moving point की एक fixed straight line से distance होती है, तो यहाँ पे उसको directrix बोलते हैं, ठीक है? सो इन इन दोनों का रेशियो जो होता है एसपी बाय पीएम, एंड दैट गिव्स द दैट इज अ कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट फॉर द एवरी कॉनिक। तो हर एक कॉनिक के लिए वो फिक्स रहता है। तो मतलब ईसेंट्रिसिटी में आपको पता है कि एसपी बाय पीएम दैट रिमेन्स लेस देन वन, तो लेस देन वन रहेगा, लेस देन वन रहेगा, लेकिन ध्यान रखें जीरो से पीछे नहीं जाएगा, इवन इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ठीक है? जीरो होता है सर्कल के लिए, तो हम इसेंट्रिसिटी जीरो होगी सर्कल के लिए, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हम उसको इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं, ठीक है? और रही बात हम जो जो मेन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस इलिप्स में इसेंट्रिसिटी अगर आप लिखोगे लेस देन वन, तो इट मीन्स ई कैन गो फ्रॉम, ई कैन गो फ्रॉम द वन टू जीरो। सो दिस इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स कैन बी पॉसिबल बिटवीन वन एंड जीरो। बिटवीन वन एंड जीरो होने का मतलब ये है कि वो थोड़ी सी शेप डिफरेंट लेता है। आप देखिए इलिप्स एक तरह का नहीं होता, इलिप्स की कुछ शेप ऐसी होती है, कुछ इस तरह के भी शेप होगा, है सेम ही, लेकिन इस टाइप की शेप भी होती है। ये भी इलिप्स है, ये भी इलिप्स है, ये इलिप्स है। तो ये जो पर्टिकुलर इस टाइप का शेप लिया, ज्यादा ये पतला हो गया है, तो ये खाली ईसेंट्रिसिटी की वजह से है, ईसेंट्रिसिटी। लेकिन वो जो फिक्स ईसेंट्रिसिटी रखते हुए आगे बनेगा, तो वो शेप इसने ऐसे एक्वायर की, ये लगभग थोड़ा दूसरा शेप इसने एक्वायर किया, बट दैट शेप इज दैट ईसेंट्रिसिटी व्हाटएवर इट कैन बी बिटवीन 0 टू 1, इसके लिए वो फिक्स है और इसके लिए भी अलग फिक्स है, तो वो अलग शेप बनाता चला जाएगा और ये वाला दूसरा शेप बनता चला जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सब्सक्राइबर है, दैट सब्सक्राइबर इज आई जस्ट चेक द नेम, प्रथम निम, राइट? ही हैज कमेंटेड वेरी नाइस, राइट? सो आई वांट टू थैंक हिम ऑनलाइन, आई वांट टू थैंक हिम दैट ही हैज कमेंटेड वेरी नाइस वर्ड्स एंड दैट रियली बूस्टेड मी, राइट? सो आई अगेन अगेन वांट टू से दैट योर सब्सक्रिप्शन, योर एप्रिसिएशन, योर कमेंट्स डेफिनेटली गोइंग टू बूस्ट मी, एंड आई हैव कमिटेड यू, I told you that I am going to give you the free mathematics for IIT JEE, and this is my commitment. It is fixed, and I am going to give you nice and nice videos, nice and nice chapters. Going to enhance myself. देखिए आदमी इंसान जो है अपने आप को और ज्यादा अपग्रेड करता चला जाएगा। आप मेरे इनिशियल वीडियोस देखेंगे तो उनमें क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आई। I just not used to this camera and the board, right? And I used to be teaching in front of the manually some students are sitting. So first time this I am doing for myself, and I am committed to give you the free mathematics for the IIT JEE. And I means again on the YouTube I have given that it is going to be the means for the poor and economically poor students, those not able to come to quota, right? And not able to get the quota style of coaching. That is, here I am, here I belong to quota only, and giving you the such kind of material content which exactly given into the quota style of coaching is going on, right? Main pura yahi pe sikha hu, quota se hi sikha. To hum start karte topic. So dekhiye initially jo baat hai वो ये है कि इलिप्स को हम लोकस के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। अब पॉइंट वही है कि फिक्स पॉइंट होगा, मतलब हम एक इलिप्स में अगर देखें, इलिप्स के थोड़ा सा शेप हमें आइडिया होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे हम इसको वर्कआउट करेंगे। इसमें दो फोकस होते हैं, दीज आर नोन एज द फोकाई, एस एन एस डैश, राइट? एंड देयर इज अ डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी सिक्स पे पॉइंट जाएगा, दिस इज द मूविंग पॉइंट एच के, राइट? और इससे डिस्टेंस होगी, दैट इज द एस पी बाय पी एम। सो इन टर्म्स ऑफ लोकस, इन टर्म्स ऑफ लोकस डेफिनेशन हम इस तरह से देंगे, लोकस ऑफ अ पॉइंट
which moves such that, अब जैसे यहाँ डेफिनेशन आपको पता ही अच्छी तरह से, SP बाय PM जो रेशियो है हम उसको बोलेंगे, वहां पैराबोला में लिखा था इक्वल टू वन, इक्वल टू वन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे दैट रेशियो इज लेस देन वन, तो ये डेफिनेशन इलिप्स का हो गया। हाइपरबोला में सेम डेफिनेशन बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे कि SP बाय PM इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वर्ड यूज कर दिया तो हाइपरबोला का डेफिनेशन हो गया। आपने उस रेशियो को लेस देन वन बोल दिया, देन इट इज द डेफिनेशन फॉर द इलिप्स। बहुत इजी है, ठीक है। सो लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स अस दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड इट्स डिस्टेंस, इसी सेम पॉइंट की, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट इसका फोकस होगा, फोकस हम आगे जानेंगे कि वो ए कॉमा जीरो पे होता है, सेकंड फोकस इसका माइनस ए कॉमा जीरो पे होता है, ठीक है। तो दैट पॉइंट इज अ लोकस पॉइंट व्हिच इज अ मूविंग पॉइंट, राइट। सो लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स अस दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ये हमें पता है कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, राइट। एंड फिक्स पॉइंट को हम लिख सकते हैं कि ये फोकाई है। हाँ, एक और नई बात आ रही है, फोकस अगर एक फोकस हो तो उसके लिए फोकस वर्ड है, और फोकस अगर सपोज इन केस ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला दो फोकस होंगे तो उनको फोकाई वर्ड बोलेंगे। फोकाई इज अ प्लूरल ऑफ फोकस विच इज अ सिंगुलर वर्ड फोकस है, और प्लूरल वर्ड जो है वो फोकाई है, ठीक है ना। तो दो फोकस है इसलिए फोकाई वर्ड बोलते हैं। सो इट्स फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स स्ट्रेट लाइन, कीप्स अ कॉन्स्टेंट रेशियो, और कॉन्स्टेंट रेशियो को हम इसेंट्रिसिटी जानते हैं। देखिए सारी डेफिनेशन में कई सारे वर्ड्स आ जा रहे हैं एक ही साथ। लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स अस दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट फोकस एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, दैट इज द डायरेक्ट्रिक्स, कीप्स अ कॉन्स्टेंट रेशियो एंड दैट कॉन्स्टेंट रेशियो इज नोन एज द इसेंट्रिसिटी, राइट। कीप्स अ कॉन्स्टेंट रेशियो लेस देन वन, बस यहां पे यहीं पे फर्क कर देंगे, लेस देन वन इज कॉल्ड इलिप्स, तो यही यहाँ पे इलिप्स हो जाता है। अगर आपने सेम चीज बोली यहाँ ग्रेटर देन वन बोल दोगे, हाइपरबोला का डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लेस देन वन होगा। दैट इज मैथमेटिकली हम इसको बोलते हैं SP बाय PM एंड दैट इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी एंड इन केस ऑफ इलिप्स वेयर दिस इसेंट्रिसिटी इज गोइंग टू बी बिटवीन 0 एंड 1, तो ये 0 से 1 के बीच में इसेंट्रिसिटी इसकी होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब आप इस चीज पे वर्कआउट करते हैं तो इलिप्स की इक्वेशन आती है। मैं इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन डेराइव करूंगा कैसे इलिप्स का इक्वेशन आता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। समटाइम्स ये मतलब इन बिटवीन स्टूडेंट्स ये जरूर पॉइंट रहता है कि इलिप्स का आप इक्वेशन कैसे डेराइव करेंगे, ठीक है, तो वो हम करेंगे उसको पूरा, ये एक पॉइंट रहा, ठीक है ना। अब इस पर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इससे पहले वन मोर पॉइंट ऑल्सो, इक्वेशन मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दैट इज ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 बिकम्स इलिप्स। ये इलिप्स कब बनता है, बिकम्स इलिप्स इफ इसमें कंडीशन लग जाएंगी, फर्स्ट कंडीशन डेल्टा इज नॉट गोइंग टू बी 0, ये हम खूब अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं डेल्टा क्या होता है, दैट इज डेल्टा मीन्स AHG, यहाँ पे भी AHG लिख दीजिए, ABC रख दीजिए, ABC इसमें एफ फिलअप कर दीजिए, दैट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज द डेल्टा वैल्यू, डिटर्मिनेंट है सॉल्व करने से आ जाता है, राइट।
सो दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. सेकेंड पॉइंट हम लिखते हैं इसमें एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी. ये वही रिलेशन होता है जो यहाँ इसेंट्रिसिटी का होता है. हाइपरबोला में एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होता है, राइट. और इलिप्स में ई इज लेस देन वन होता है, तो वही सेम रिलेशन एच स्क्वायर और ए बी का होता है. आप देखो पैराबोला में क्या होता है. पैराबोला में हमने लिखा था एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, तो वहां पे इसेंट्रिसिटी भी तो वन होती है. इलिप्स में ऐसा होता है कि एच स्क्वायर लेस देन ए बी होता है, तो ठीक है ना, इसेंट्रिसिटी लेस देन वन होती है. हाइपरबोला में आपका एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होता है, राइट. तो उसमें इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन वन होती है. तो इनइक्वलिटी वाइज भी सेम रिलेशन है, एच स्क्वायर और ए बी का वही रिलेशन है जो कि हम इसेंट्रिसिटी में लिखते हैं. ई वन लिखोगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी पैराबोला में लिखोगे. अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी लिखोगे इलिप्स के लिए, तो वहां पे इसेंट्रिसिटी भी लेस देन वन है. तो इनइक्वलिटी में फर्क नहीं आ रहा, वो भी उसी तरह से याद रह हो जाएगा आपको. हाइपरबोला है तो हाइपरबोला में भी एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी लिख रहे हो, तो ई ग्रेटर देन वन हो गया, तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे भी एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा. थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे इसका, दैट इज द इसेंट्रिसिटी इज लेस देन वन. सो उसको 0 to 1 के बीच में प्लेस कर देते हैं. नाउ इफ एनी मोस्ट जनरल इक्वेशन, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन नाउ सेटिस्फाइज दीज थ्री रिजल्ट, नाउ इट शोज द इक्वेशन ऑफ अ इलिप्स. वो इलिप्स बन जाता है वही, और वही इक्वेशन हाइपरबोला बनेगा अगले केस में, ठीक है. तो ये तो हम एज पर लोकस हमने इसको डिफाइन किया, राइट. अब इसके बाद में एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पे, इसी कंडीशन पे बेस्ड. फिर हम उसको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में उसको हम वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन डेराइव करेंगे. इलिप्स की इक्वेशन आती कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. देखिए एक क्वेश्चन हम लें जिससे कि इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है लोकस रिलेटेड जो हमने बात बोली उस पॉइंट को हम क्लियर कर देंगे. और क्वेश्चन ये है कि यह सपोज फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकस इज 0 0. फोकस 0 0 पे प्लेस किया हुआ है इसने, एंड डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू 0, एंड ईसेंट्रिसिटी. यहाँ पे इसको ईसेंट्रिसिटी देनी पड़ती है एलिप्स में. ईसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1/√2, राइट. सो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. मीन्स जब आपको फोकस दिया हुआ हो, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई हो, ईसेंट्रिसिटी भी दी हुई हो, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, ठीक है. तो इलिप्स को एक सिंपल एक वो चीज बना लीजिए रफली, कि ये फोकस जो है मान लीजिए 0 0 पे दिया हुआ है. पी पॉइंट हम लेंगे, एक्स वाई ले लेंगे जनरल में. लोकस जब निकालना होता है तो आपको पता है कि वो एच के वगैरह लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी चल जाता है, ठीक है. और इधर एस पी पी एम ये लाइन दे रखी है इसने, एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू 0, राइट. दिस इज द एम. तो हम इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं कैसे सॉल्व करना रहता है. सो दिस इज द सॉल्यूशन एस एस पी बाय पी एम इक्वल्स टू इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी इसने 1/√2 गिवन है, तो इसका स्क्वायर वगैरह कर लीजिए, पी एम स्क्वायर कर दो, 1/2 कर दो, ठीक है. या टू टाइम्स ऑफ एस पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर. सो टू टाइम्स ऑफ एस पी, एस पी ये डिस्टेंस होगी और उसका स्क्वायर लिखना है. एस पी ए डिस्टेंस होगी, इसका स्क्वायर लिखना है, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेरी सिंपल, राइट. इसका रूट हटा दिया हमने, स्क्वायर कर चुके हैं. और पी एम तो जनरल पॉइंट ही है, जनरल पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप किया और उसका स्क्वायर करना है, ठीक है. सो दैट इज द एक्स प्लस वाई लाइन एज इट इज आ जाएगी ऊपर, डिवाइडेड बाय इनके कॉफिशियंट्स बनेंगे अंडर रूट ऑफ 1+1, तो √2 बनेगा. √2 की वैल्यू का स्क्वायर कर दोगे आप. सो दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, और इधर एक काम करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर नीचे आएगा 2, ये 2 भी उधर चला जाएगा, 4 हो जाता है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए,
that is the x square plus y square plus 1 plus 2ab means 2xy plus 2bc minus 2y minus 2x, ये टोटल होल स्क्वायर हो गया, 2xy plus minus 2y minus 2x बराबर है, राइट। और इसको लिख सकते हैं आप इक्वल्स टू 3x square और इधर बच जाएगा प्लस का 3y square, सारा पोर्शन उधर ले जाएंगे, माइनस 2xy प्लस 2x, दिस इज प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2y और प्लस 1 जो है उधर जाएगा, माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड इट इज एन एलिप्स, कंफर्म है कि एलिप्स है। उल्टा एक सवाल मैं करके बताता हूं आपको, ये इक्वेशन दे रखी हो और शो करना हो कि चेक करके बताओ कि ये एलिप्स है, चेक दैट वेदर इट इज रिप्रेजेंटिंग विच टाइप ऑफ कॉनिक। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एच स्क्वायर और ए बी वाले रिलेशन को पहले देख ले, ठीक है ना, तो वही देख के बता देता हूँ अभी मैं हाल फिलहाल। तो देखिए जब आप कंपेयर करोगे तो एच का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन एच, और ए की वैल्यू 3 है, बी भी 3 है, इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 3 है, और अगर हम एच स्क्वायर वैल्यू निकाल लेंगे तो एच स्क्वायर वैल्यू आ गई आपकी 1 और ए बी वैल्यू हो गई 9, राइट। सो एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। बाकी आप वो भी काम कर सकते हैं कि वो डेल्टा जो वैल्यू होती है, पर्टिकुलर डेल्टा वैल्यू को भी चेक करोगे तो वो 0 नहीं आएगी, डेल्टा इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 0, राइट। तो इन दो बातों से ही हमें पता लग जाता है कि ये एलिप्स है, तो वो तो हमने इसको डेराइव ही इधर से किया है तो हमें मालूम चला है कि ये एलिप्स है, और थोड़ा मैं क्रॉस चेक की भी करके उल्टा बता दिया आपको कि हाँ मालूम चल रहा है कि एलिप्स है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं हम वीडियो, एंड इन दैट आई एम गोइंग टू डेराइव द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 किस तरह से आता है, व्हाट इज द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, राइट, दैट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट।